हेलो माय स्टूडेंट्स, मैं सुनील सर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीसी अकेडमी में। तो स्टूडेंट्स, हमारी तैयारी जो चल रही है बहुत ही अच्छी चल रही है। इससे पहले मैंने सिंटेक्स के कई एक्सरसाइज बताए हैं जिसमें इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस के बारे में बात की थी। आज उसी क्रम को आगे रखते हुए एक एक्सरसाइज और लाया हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके हर एक बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जिनको इंग्लिश का एग्ज़ाम देना है उन सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे SSC हो, चाहे CBSE हो, चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड्स का स्टूडेंट हो। अगर उनके सिलेबस में सिंटेक्स है तो ये सेंटेंसेस एक बार जरूर पढ़ करके आप एग्ज़ाम में जाइएगा। तो देखते हैं करके सारे सेंटेंस को एक्सप्लेनेशन के साथ। तो पहला सेंटेंस लिखा है ही इज़ मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन। तो आपके सामने ये सेंटेंस आएगा तो आप पक्का गलत करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके सामने लिखा है मोस्ट, तो आप क्या करेंगे, आप इसके पहले द लगा देंगे कि सर ही इज़ द मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन। तो आप करेंगे ऐसे तो एग्जामिनर कर देगा ऐसे, क्योंकि ये हो जाएगा गलत। रीज़न ये है कि परफेक्ट एक यूनिक है। परफेक्ट अपने आप में क्या है, परफेक्ट एक ऐसा एडजेक्टिव है जो अपने आप में क्या है, सबसे अद्वितीय है, इससे बड़ा जो है कोई नहीं हो सकता, परफेक्ट से बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। तो आपको यहाँ पर मोस्ट लगाने की ज़रूरत ही क्या है, आप सीधे सीधे लिख दीजिए ही इज़ अ परफेक्ट जेंटलमैन। आपको अगर यहाँ पर करेक्शन करना है तो ये करिए बस, ही इज अ परफेक्ट जेंटलमैन, आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा। ऐसे बहुत से एडजेक्टिव हैं जो अपने आप में हाईएस्ट रैंक रखते हैं, जैसे परफेक्ट ही हो गया, यूनिक हो गया, ये सब एडजेक्टिव्स हैं जिनके बाद कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें मोस्ट या फिर वेरी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, परफेक्ट ही परफेक्ट होता है। तो आपको यहाँ पर और लिखना था, बिल्कुल सही है सेंटेंस है, ओके। दूसरे सेंटेंस की बात कर लें, सी केम लेटर। देखो ये लेटर जो होता है ना भाई, क्रम बताता है। यहाँ पर हमको करना है बाद में आया, देन आई एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पर लेटर ना होकर के क्या होगा, ये लेटर होगा, बाद में आया, ठीक है ना। ये लेटर का मतलब क्रम होता है और यहाँ पर लेट मीन्स देर से आया, तो ये लेटर का यूज किया जाएगा, ये नहीं किया जाएगा। फिर थर्ड सेंटेंस की देखें, लिखा है राम्स ब्रदर्स कार। तो देखिए यहाँ पर दो दो पॉजिटिव केस का करना यूज़ है गलत है, दो दो एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करना गलत होता है। तो आप इसको लेकर के पहले लिखेंगे द कार ऑफ राम्स ब्रदर। तो यहाँ पर हमको लिखना है द कार ऑफ राम्स ब्रदर, यहाँ पर राम्स ब्रदर्स कार नहीं होगा, द कार ऑफ राम्स ब्रदर होगा, ये सेंटेंस सही है, ठीक है ना। फिर बात करते हैं फोर्थ सेंटेंस की, यहाँ लिखा है व्हेन आई वोक, जब मैं जागा, ही आज उन्होंने पूछा वेयर आई एम। अब देखिए इस सेंटेंस में गलती कहाँ पर हो गई, यहाँ पर है सेंटेंस पास्ट में और यहाँ दिया है आई एम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई वॉज। क्लियर हो रहा है सबको। चलिए अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैंने सिंटेक्स के सारे वीडियो बना रखे हैं, सारे रूल्स की वीडियो बना रखे हैं, वहाँ पर भी आप जा कर के देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट में जा कर के सिंटेक्स के सारे पार्ट आप देख लीजिए। अगला सेंटेंस देखिए, इफ आई वॉज यू, देखिए इफ आई वॉज यू नहीं होता है, इफ आई वर यू, इसमें कल्पना की जाती है कि मैं अगर तुम्हारी जगह पर होता, आपको लग रहा हो कि आई के साथ वॉज सर सही है, गलती कुछ नहीं है, तो भाई आई के साथ वर होता है कल्पना करने के लिए, तो ये सेंटेंस होगा इफ आई वर यू आई वुड नेवर डू दैट। अगर सेंटेंस लिखा होता कि इफ आई वर यू आई वुड हैव, तो भी ये सेंटेंस वुड हैव ना होता, वुड केवल होता, क्योंकि वुड हैव तब होता है जब यहाँ पर वाज वर ना हो बल्कि पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट की कोई हेल्प में लगी होती है, ठीक है ना। चलिए सिक्स सेंटेंस देखते हैं, लिखा है द एरिया ऑफ दिल्ली इज बिगर देन आगरा। तो दिल्ली का जो एरिया है इज बिगर, ज़्यादा है देन आगरा, तो हम एरिया की तुलना आगरा से नहीं करेंगे, आगरा के एरिया से करना होगा। तो देन ना लगा करके इसके जगह पे क्या करेंगे आप, देन दैट ऑफ, तब हमारा ये सेंटेंस सही होगा, दैट ऑफ आगरा होगा यहाँ पर, यानी कि देन दैट ऑफ आगरा, यानी कि आगरा के, दैट मतलब क्या, एरिया के, ठीक है ना। अगर यहाँ पर होता द एरियाज ऑफ दिल्ली आर बिगर देन, तो यहाँ होता दोज ऑफ आगरा, यानी कि अगर ये प्लूरल है तो दोज ऑफ, अगर सिंगुलर है तो दैट ऑफ, ये सेंटेंस बहुत एग्जाम में आता है और गलती भी कराता है, तो आपको ये गलती नहीं करना है। जैसे मान लीजिए लिखा हो माई हाउस इज बिगर देन माई अंकल, मान लीजिए ये सेंटेंस लिखा है, तो ये बताइए मेरे घर की तुलना आप कर रहे हैं अंकल से, मेरा घर जो है बड़ा है अंकल से, तो अंकल से तुलना थोड़ी करना है, अंकल घर से करना है ना,
तो यहाँ पर दैन के बाद क्या लगाना होगा, दैट ऑफ। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए सेवन सेंटेंस की बात कर ले, लिखा है मिस्टर पी के रॉय इज ए एम पी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एन एम पी। ये आप किसका रूल है, आर्टिकल का रूल है कि जितने भी शॉर्ट फॉर्म में पद कोई लिखा होता है तो उससे पहले हम आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं, और वैसे भी इसको हिंदी में जब प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो एम पी। तो देखिए ए से शुरुआत हो रहा है तो क्या लगाना होगा, एन लगाना होगा, करेक्ट है, ठीक है। चलिए बात करते हैं एट सेंटेंस की, तो लिखा है वाई आर यू अफ्रेड। देखिए अफ्रेड के साथ फ्रॉम नहीं होता है, अफ्रेड ऑफ होता है, तो बहुत से ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ ऑफ यूज होता है, जैसे अफ्रेड ऑफ, बी वेयर ऑफ, फॉन्ड ऑफ, बहुत से वर्ब हैं स्टूडेंट्स, आप उनको देखिएगा रूल्स को। तो यहाँ पर बता दूँ कि अफ्रेड के साथ ऑफ का प्रीपोजिशन यूज करेंगे, ठीक है ना। फिर नाइन सेंटेंस देख लें, आई प्रेफर अ पेन। यहाँ पर प्रेफर और प्रेफरेबल के साथ क्या होता है, टू न कि देन, तो यहाँ पर ये गलती समझ में आया आपको, आई प्रेफर अ पेन टू अ पेंसिल, करेक्ट हो गया सेंटेंस। बात कर लें सेंटेंस नंबर 10 की, तो मैथमेटिक्स विषय का नाम है, सब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा इज, मैथमेटिक्स इज नॉट एन ईजी सब्जेक्ट, सही है सेंटेंस। जितने भी विषय हैं वो सब्जेक्ट होते हैं, वो देखने में प्लूरल लगते हैं, जैसे सिविक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कोई बात नहीं है, वो सब सिंगुलर में है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट मैन, देखिए ही इज वन ऑफ द बेस्ट मैन, दैट का यूज सही है, बेस्ट मैन के साथ दैट मैन दैट होगा, बिल्कुल सही है, लेकिन हम यहाँ पर दैट किसके लिए यूज कर रहे हैं, बेस्ट मैन के लिए, बेस्ट मैन के लिए दैट यूज किया जा रहा है, तो हैज का क्या हो जाएगा, हैव, यहाँ हो जाएगा हैव। चलिए बात करते हैं सेंटेंस नंबर 12 की, तो सेंटेंस नंबर 12 है दिस न्यूज हैव डिस्टर्ब्ड द पीस ऑफ माइंड। तो देखिए दीज न्यूज लिखा है, भाई न्यूज सिंगुलर होता है, दिस न्यूज, यहाँ हैव भी नहीं होगा, क्या होगा, हैज, तो हो जाएगा दिस न्यूज हैज, दो दो गलतियाँ थी, दिस की और हैज की, समझ में आया आपको, न्यूज एक सिंगुलर नाउन होता है। बात करते हैं 13 सेंटेंस से, इट इज आई, सही है, इट इज आई होगा, हु होगा, और यहाँ इज नहीं होगा, आई के अकॉर्डिंग लगेगा एम, आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब यूज करना है एम, ठीक है। बात करते हैं 4 सेंटेंस की, तो 4 सेंटेंस जो हमारा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिखा है बीइंग अ कोल्ड नाइट आई स्टेड इन माई होम हाउस। तो देखिए यहाँ का सब्जेक्ट आई है और यहाँ का सब्जेक्ट पता ही नहीं है क्या है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा, किसके लिए यूज़ किया जा रहा है, नाइट के लिए, मौसम के, वो सॉरी डे के लिए यूज़ किया जा रहा है, नाइट के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो नाइट और डे क्या होता है, एक प्राकृतिक चीज़ होता है, तो उसके लिए हमको यहाँ पर एक सब्जेक्ट यूज़ करना होगा, वो क्या होगा, इट, क्या होगा, इट, तो इसको बनाएंगे हम इट बीइंग से, इट बीइंग से बनाएंगे सेंटेंस, तो हमारा सही होगा, क्योंकि इन दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग होंगे तो सब्जेक्ट लिखना होगा, अगर इन दोनों के सब्जेक्ट एक ही होते तो यहाँ पर इट का प्रयोग ना करते, अगर यहाँ पर इट होता तो यहाँ इट का प्रयोग ना करते, दोनों अगर एक ही व्यक्ति को दिखाते तो, लेकिन यहाँ पर इट का प्रयोग करना पड़ेगा, जैसे कहा जाए मौसम ठंडा था, ठंडा होने का, तो इट बीइंग अ वेरी कोल्ड आई डिड नॉट, इस तरह से कर लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर कोल्ड के लिए भी किसका प्रयोग करेंगे, इट का यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं अपने लास्ट सेंटेंस को, तो लास्ट में कह रहा है कि आई एम ग्रेटफुल फॉर यू, मैं कृतज्ञ हूँ, बहुत आभारी हूँ आपके लिए, आपके आपके प्रति, आपके दया के लिए। तो यहाँ पर ग्रेटफुल के साथ हमेशा और हमेशा याद रखना क्या होता है, टू, ग्रेटफुल टू होता है समवन, ओके। तो इस प्रकार से हमने इस एक्सरसाइज को बहुत ही रफ्तार से, बहुत ही स्पीड से किया है, और ये जितने भी सेंटेंस मैंने बताए हैं सब के सब आए हुए एग्जाम में हैं, और आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेंटेंस रिपीट भी बहुत बार होते हैं, इनके रूल्स रिपीट भी बहुत बार होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अगर चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में क्या करिए, शेयर करिए, जिससे मुझे और कॉन्फिडेंस आए, और लाइक करिए जितना हो सके। तो स्टूडेंट्स वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।